गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी, 6th, 5th और 6th आइडेंटिटी हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें सॉरी 6th और 7th आइडेंटिटी सीखी थी क्यूब की, उसका यूज मैंने नहीं सिखाया। और एक बात नोट करना, उसमें जब मैंने लिखा है तो पार्ट ऊपर गलत लिख लिया है, पार्ट 7 आज वो मैं करेक्शन कर लेता हूँ। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आइडेंटिटीज को ध्यान रखना है। आइडेंटिटी क्यूब की थी, अब क्यूब की आइडेंटिटी का मैंने आपको कहा था यूज सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक का 2.5, उसका क्वेश्चन नंबर 6 यहां मैं समझा रहा हूं जो इस आइडेंटिटी के यूज से हो सकता है। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा दिया है 2x + 1 का क्यूब, यहां मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 2x + 1 उसका क्यूब। आप ऑब्जर्व कर लो, दो टर्म है राइट, बीच में प्लस की साइन है और क्यूब की आइडेंटिटी, मतलब ये देखो क्यूब की आइडेंटिटी है, दो टर्म है, बीच में प्लस की साइन भी आ रही है। तो ये वाली आइडेंटिटी आप इस स्टेप पे मत आओ, सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स क्यूब, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म का क्यूब करूं तो फर्स्ट टर्म मेरा कौन सा है, 2x है, और 2x का जैसे मैं क्यूब करता हूं तो क्या मिल जाएगा, 8x³ मिलेगा राइट। फिर लिखा है सेकंड टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म क्या है 1, तो और 1 का क्यूब आपको पता है 1 रहने वाला है। मैं सीधे इस स्टेप पे आ रहा हूं क्योंकि यही मेन काम का स्टेप। फिर प्लस के साइन है और लिखा हुआ है 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। अब आपका फर्स्ट टर्म है 2x, उसका स्क्वायर करने जाओगे तो हो जाएगा 4x², और पास में क्या पड़ा है सेकंड टर्म, एज इट इज रख देना है। तो ये सेकंड टर्म हमारा 1 है, 1 को मैंने एज इट इज रख दिया। फिर प्लस के साइन है, फिर लिखा हुआ है 3, और उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखा है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखो आपकी कितनी है, 2x है, तो मैंने एज इट इज 2x रख दिया। और पीछे लिखा है सेकंड टर्म का स्क्वायर, हमारा सेकंड टर्म क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो क्या रहने वाला है 1, बट अगर यहां पर हमारा सेकंड टर्म 3 होता, 2 होता तो उसका स्क्वायर, जैसे 2 होता तो उसका स्क्वायर करके 4 रख देता। अब लास्ट स्टेप, इसको एज इट इज रखेंगे, 8x³ + 1 का 1 रहेगा 3, इन तीनों चीजों की मल्टीप्लाई करो तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12x², उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करो 3 × 2 = 6, तो ये 6x आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो मैंने किया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कर लिया, सेकंड सिंपल है, थर्ड और फोर्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फ्रैक्शन में दिए हुए, सेकंड में माइनस साइन है, थोड़ा ध्यान रखना। तो सेकंड को आप खुद प्रैक्टिस करना, मैं थर्ड और फोर्थ आपको करवा लेता हूं। ओके, तो हम क्वेश्चन 2.5 का क्वेश्चन 6 उसका थर्ड नंबर कर रहे हैं। अब हम देखें क्या दिया हुआ है, 3/2x + 1, मतलब दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, बीच में कौन सी साइन है, प्लस, ऊपर क्यूब है, तो वही वाली आइडेंटिटी जो फर्स्ट मैंने सिखाई थी, फर्स्ट इन द सेंस आइडेंटिटी नंबर 6 यूज होगी। तो अब यहां पर पहले आ जाएगा x³, x मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, और हमारे लिए फर्स्ट टर्म कितना है 3/2x लिखा है, तो उसका क्यूब करो तो 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है, और x का क्यूब क्या लिखेंगे, x³ लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का भी क्यूब करना है, सेकंड टर्म कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा। फिर कौन से साइन है, प्लस, जब यहां पर प्लस हो तो सब अंदर साइन प्लस ही आने वाली है, 3 आएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा, आपका फर्स्ट टर्म क्या है 3/2x है, तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर 3 का स्क्वायर आप रख दो 9, 2 का स्क्वायर रख दो 4, और x का स्क्वायर क्या रखोगे, x² रखोगे, तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फिर सेकंड टर्म रखना है, सेकंड टर्म कितना है, देखो सेकंड टर्म रखना है सिंपल, सेकंड टर्म 1 है तो आपने 1 रख दिया, फिर प्लस की साइन, फिर वापस 3 रखना है, फर्स्ट टर्म रखना है, फर्स्ट टर्म कितना है 3/2x है, तो ये मैंने रख दिया 3/2x, सिंपल फर्स्ट टर्म रखना है, और उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसे फाइनल स्टेप पे लिखे तो ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, 27/8x³ रहेगा प्लस 1 रहेगा। यहां आप देख सकते हो अगर टेबल लग रही हो इस पोर्शन में तो लगा सकते हो, बट नहीं लग रही है तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 27/4x², और यहां पर भी टेबल कहां रखे, जैसे 2 है इधर, ऊपर 4 होता तो टेबल लग जाती, बट यहां टेबल हम नहीं लगा सकते, तो 3 × 3 = 9, यहां पर हो जाएगा 9/2x, और पीछे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में आया तो सीधे 1 रख दिया,
तो यहां पर ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूं, क्योंकि वो भी फ्रैक्शन में ही है। अब ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2.5 के 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ कर रहे हैं। पहले हमेशा ये सोच लो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी। आप ऑब्जर्व कर लो, अंदर दो ही टर्म है, अंदर दो ही टर्म है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, राइट। हमें क्या करना है, देखो क्यूब और बीच में माइनस की साइन, मतलब इस आइडेंटिटी पे आ गए। ये जो नेक्स्ट आइडेंटिटी थी जिसे मैं नंबर दूंगा, आइडेंटिटी नंबर 6 है आपका। आइडेंटिटी नंबर कौन सी, 6 आपकी आइडेंटिटी यूज हो रही है, जिसमें क्या आ रहा है, माइनस, सॉरी 6 नहीं है, 7th आइडेंटिटी है, क्योंकि 6 तो कौन सी थी, ये आइडेंटिटी नंबर 6 है और ये आइडेंटिटी नंबर 7 जिसमें प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस की आइडेंटिटी हो गई। सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्स क्यूब, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, हमारा फर्स्ट टर्म भी एक्स ही है, तो यहाँ मैंने रख दिया एक्स क्यूब, राइट। हमारा फर्स्ट टर्म आप ऑब्जर्व कर लो, वो भी कितना है, एक्स ही है, तो मैंने एज इट इज रख दिया एक्स क्यूब। फिर माइनस की साइन है, ये मैंने माइनस की साइन रख दी, सेकंड टर्म का क्यूब है, सेकंड टर्म क्या लिखा हुआ है, 2/3, तो 2 का क्यूब करते हैं 8 आएगा, 3 का क्यूब करते हैं 27 आएगा, y का क्यूब आप करके देखो तो y क्यूब सेम रहेगा। ये हो गया है फर्स्ट, ये सेकंड, फिर देनी है माइनस की साइन, फिर 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अभी हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, x है, तो x का स्क्वायर रख दिया, और सेकंड टर्म एज इट इज रख देना है, y लिखा है, सेकंड टर्म एज इट इज मतलब कितना है, 2/3y, तो मैंने यहां क्या रख दिया, 2/3y रख दिया, राइट। इसके बाद आपका प्लस की साइन है, ये देखो ये तीनों आगे माइनस है, लास्ट वाले में प्लस दिखाना, ये 3, फिर फर्स्ट टर्म रखना है, और हमें पता है हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, x है, तो मैंने x रख दिया। फिर मुझे सेकंड टर्म रखना है, सेकंड टर्म क्या लिखा हुआ है, सेकंड टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है y स्क्वायर, मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, और हमारा सेकंड टर्म जो है वो है 2/3y, उसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, और यहाँ y स्क्वायर हो गया। अब लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यहां मैंने रख दिया एक्स क्यूब, यहां मैंने रख दिया एक्स क्यूब, माइनस 8/27y³ रख दिया। इसके बाद आप ऑब्जर्व कर लो, मैंने आपको कहा ये तीन टर्म है, 1, 2 और ये 3, प्लस माइनस डिवीजन हो रहा हो, देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई का 3 डिवीजन का कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर है, एक 2 है और y है, तो यहां पर साइन माइनस की, तो -2x²y रहेगा, राइट। सेम वे में आप ऑब्जर्व कर लो, ये एक टर्म, दूसरा और तीसरा, तीनों में डिवीजन हो सकता है, तो 3 की टेबल आप सोचो, 9 को यहाँ कितने टाइम लग जाएगी, 3 टाइम, तो ये तो 3 हट गया, क्या रहेगा नंबर्स में, नंबर में रहा सिर्फ 4/3, साइन कौन सी, प्लस की, ये रह गया 4/3, और ये एक्स रहा और ये वाई स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 7 बहुत इजी है, मैं आपको करने के लिए दूंगा, बट एक हिंट मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन 6 के जगह अभी क्वेश्चन 7, एक हिंट मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन 7 के लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन उल्टा पेपर में पूछे जाते हैं। देखो ऐसा लिखा हुआ है, 99 का क्यूब, पहले आप इसे थोड़ा अरेंज कर लो, क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा है, यहाँ पर क्या होने चाहिए, अंदर दो टर्म होने चाहिए, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मेरा आंसर 99 ही रखना है, तो 99 को मैं ऐसे रख सकता हूँ, 100 - 1 उसका क्यूब, क्योंकि 99 का मतलब क्या होता है, 99 का मतलब ही होता है 100 - 1, 99 का मतलब यहाँ क्वेश्चन वालों ने, बुक वालों ने 99 लिखा है, मैंने उसके जगह 100 - 1 लिख लिया। अब 100 - 1 का क्यूब रखा, राइट, अब रूल तो वही, ये आइडेंटिटी नंबर 7 अप्लाई होगी, क्योंकि दो टर्म है, पहले टर्म का क्यूब करो, ये देखो यहां से मैं कर रहा हूं फर्स्ट टर्म का क्यूब, अब 100 का जब क्यूब करते हैं ना, 100 का स्क्वायर हो ना, तो 2 0 के 4 हो जाते, क्यूब हो तो 6 0 हो जाते, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने जीरो हो गए, 6 0, नहीं तो आपको चेक करना हो तो मल्टीप्लाई करके देखो, 100 100 100 तीन बार मल्टीप्लाई करो, 100 को 100 से करोगे तो 10,000 होगा, फिर 10,000 को वापस 100 के साथ करोगे तो आपके 10 लाख आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है y क्यूब, अब y मतलब सेकंड टर्म का क्यूब, हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे वो तो 1 ही रहने वाला है। फिर लिखा हुआ है 3, तो ये मैंने माइनस की साइन दे दी और ये 3 रखा,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 100 है, 100 का स्क्वायर करके देखो। अब जैसे 100 का स्क्वायर है, स्क्वायर का रूल होता है अगर एक जीरो होता है तो दो जीरो हो जाते हैं, और अगर दो जीरो है तो चार जीरो हो जाते हैं स्क्वायर में। क्यूब का रूल होता है एक जीरो के जगह तीन जीरो होते हैं, बट दो जीरो हो तो छह जीरो हो जाते हैं। तो यहां पर मैंने 100 है तो 100 का स्क्वायर लिया, 100 का स्क्वायर आ गया 10,000। फिर लिखा है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मेरा कितना है 1 है, तो ये मैंने एज इट इज 1 दिखा दिया। फिर कौन सी साइन है, प्लस की साइन, ये प्लस की साइन मैंने दी 3 दे दिया। x x मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आप देखो कौन सा है आपका 100 है, फर्स्ट टर्म आपका 100 है तो ये मैंने 100 रख दिया। और लिखा है सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म तो 1 है हमारा, उसका स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इनका प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 राइट, माइनस 1 माइनस, अब इनको देखो मल्टीप्लाई करना है। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30,000, 30,000 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30,000 आएगा राइट। उसके बाद 3 को 100 से करोगे तो 300। अब हमें सिंपल प्लस माइनस करनी है, ये आपका जो 10 लाख है 10 लाख में से 1 भी माइनस होगा, 30,000 भी माइनस होगा, और उसके बाद 300 प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस करके देखो आपको आंसर आ जाएगा, मैं कर रहा हूं प्लस माइनस। ओके आप ऑब्जर्व कर लो मैंने क्या किया हुआ है, इसको सॉल्व किया है, आप सॉल्व करके देखो मैंने कैसे किया। ये जो 10 लाख लिखा है वो लिखा, उसमें ये 300 प्लस करने हैं तो मैंने पहले 300 प्लस कर लिए, उसके बाद उसमें से माइनस करना है एक 30,000 दूसरा 1, दोनों मैंने माइनस कर लिए। जैसे ही मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 9,70,299। तो एक ये सम है, दूसरा कौन सा सम दिखाया गया, दूसरे में देखो 102 ऐसा लिखा हुआ है, 102 उसका क्यूब, तो आप 102 का क्यूब कैसे कर सकते हो, 100 प्लस 2 कर लो, 100 प्लस 2 का क्यूब करोगे और जो प्लस की आइडेंटिटी है उससे सॉल्व हो जाएगा। तीसरा लिखा हुआ है 998 का क्यूब, अब ये जो 998 का क्यूब दिखाया गया है उसको कैसे सॉल्व करोगे, सबको आएगा 1000 में से 2 माइनस कर देने, क्योंकि 998 मतलब क्या 1000 माइनस 2, तो प्लस के जगह पे अब यहां पर आपकी कौन सी आइडेंटिटी आ जाएगी, माइनस की। प्लस माइनस किसी भी आइडेंटिटी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको करवाया क्वेश्चन 6 करवा दिया, क्वेश्चन 7 करवा दिया, क्वेश्चन 6 करवाया, क्वेश्चन नंबर 7 करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी आइडेंटिटी का है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी आइडेंटिटी का ही है, बट हमने पहले भी सीखा है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये आइडेंटिटी दे रहे थे सॉल्यूशन कर रहे थे, आइडेंटिटी दे रहे थे सॉल्यूशन कर रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन होगा उसमें से आइडेंटिटी बनानी है, सॉल्यूशन होगा उसमें से आइडेंटिटी बनानी है। कैसे, मैं एक दो करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 का। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे, पता कैसे चलेगा इस आइडेंटिटी का। मैंने आपको बताया क्यूब की आइडेंटिटी है, पहले पहले हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी सीखी थी, परफेक्ट स्क्वायर सीखा था, ये क्यूब की आइडेंटिटी देखो। आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ज्यादा नहीं है, आपके 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ 8 या 9 आइडेंटिटी है, आराम से आप कर सकते हो। आप ऑब्जर्व कर लो यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म का क्यूब। जैसे ही फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का क्यूब आया, मतलब समझ लो कि ये आपकी क्यूब की आइडेंटिटी है। प्रूव करेंगे, बट ये आपके लिए कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, क्यूब की आइडेंटिटी। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, पहले एक स्टेप छोड़ के नीचे ब्रैकेट बना लो। आपको याद है मैंने ऊपर आइडेंटिटी में सिखाया था, अगर बीच में प्लस होगा तो हर जगह प्लस ही आएगा, हर जगह प्लस आएगा, बट अगर जो बीच में माइनस होगा तो हर जगह माइनस होगा, खाली लास्ट वाले स्टेप में प्लस होगा। तो ये आइडेंटिटी के थ्रू हम जान सकते हैं कि आपका जो है वो प्लस है कि माइनस है। देखो इनमें ऑब्जर्व कर लो, ये आइडेंटिटी में सब प्लस है, सब प्लस है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब करते हैं। ये क्यूब ऑलरेडी हो चुका है, सॉल्यूशन दिया, आइडेंटिटी बनानी है, तो सोचो 8a क्यूब किसका क्यूब रहा होगा, 8 किसका क्यूब है, तो 8 है 2 का क्यूब और a क्यूब है तो मैंने a कर दिया, तो एक्चुअली हमारे पास जो टर्म रहा होगा वो क्या होगा, 2a होगा, और हमने उसका क्यूब किया होगा तो 8a क्यूब आ गया होगा। फिर आपका क्या लिखा हुआ है, सेकंड टर्म का क्यूब है, सेकंड टर्म आपका b रहा होगा,
तो ये बी आ गया, और बीच में सब में प्लस है तो साइन कौन सी रही होगी, प्लस की, और उसका क्यूब हो गया। हो गया सॉल्यूशन इसका, सबसे आसानी से हो गया, क्योंकि इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन बनाना है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, बट मान लो ये तो आंसर सही है, पीछे देखोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा, बट कुछ स्कूल में कहते हैं नहीं डिटेल दिखाओ। चलो डिटेल कैसे दिखाएंगे, अगर आप डायरेक्ट डिटेल करने जाओगे ना थोड़े कंफ्यूज रहोगे, तो मेरा मेथड यूज करना है कि एक या दो स्टेप छोड़ के सीधे आंसर लिख लेना। अब क्वेश्चन में से आंसर में से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे थे, आइडेंटिटी में क्या होता था थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका कौन सा है, 2a है, तो यहाँ मैंने साइन दिखा दी 2a का क्यूब। फिर हम दिखाते थे सेकंड टर्म का क्यूब, तो यहाँ पर साइन दिखा दो सेकंड टर्म का क्यूब b क्यूब। फिर प्लस है सब में, तो ये मैंने प्लस दिखा दिया, फिर क्या होता था 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म, ये 3 दिखा दिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर का है, और आपको पता है फर्स्ट टर्म 2a है, 2a का स्क्वायर अगर मैं रखूं तो 4a स्क्वायर होगा, और उसके बाद रखा हुआ है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमारा b है, तो एज इट इज रख दिया। फिर प्लस के साइन 3 फर्स्ट टर्म, तो ये मैंने रखा 3, और फर्स्ट टर्म आपका कौन सा है 2a है, तो मैंने एज इट इज 2a रख दिया। सेकंड टर्म रख, सेकंड टर्म का स्क्वायर रखो, और सेकंड टर्म हमारा b है, तो यहां पर मैंने b स्क्वायर रख दिया। ये स्टेप आप बाद में बढ़ा सकते हो, वो भी अगर आपको मैडम अलाउ करे कि नहीं करना है स्टेप, ऑब्जेक्टिव में आएगा, वन मार्क में आएगा, तो सीधे सीधे आंसर हो गया। अब आप क्रॉस चेक कर लो, 2a का क्यूब 8 आ गया, b का क्यूब b रहा, इधर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12a स्क्वायर b आ गया, 3 को 2 से करोगे तो 6ab स्क्वायर आएगा, क्रॉस चेक भी हो जाता है। और अभी आप देखो ये तो सब प्लस थे, बट अगर कहीं माइनस हो तो क्या करना है, ऑब्जर्व कर लो इसमें, यही सेम टू सेम आपका सेकंड नंबर, ये 8 का फर्स्ट नंबर था और ये आपका 8 का सेकंड नंबर सब है, आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो आपको क्या दिया हुआ है, सेम सम है, खाली साइन चेंज है। साइन में भी देखो यहां माइनस, बट लास्ट वाले टर्म में आपको क्या दे दिया है, प्लस। लास्ट वाले टर्म में हमेशा प्लस ही होती है, इससे हमें यह पता चलता है कि जो ओरिजिनल टर्म रहा होगा वो किस में रहा होगा, माइनस में। अब देखो यहाँ 8 क्यूब है, मैं पहले क्या करूंगा, दो स्टेप छोड़ के ब्रैकेट बना दूंगा, 8 किसका क्यूब है, 8 आपका जो है वो 2 का क्यूब है, तो ये 2 रखा, a क्यूब है तो मैंने a रख दिया, राइट। आगे मैं क्या दिखाऊंगा, आगे मैं दिखाऊंगा जैसे साइन कौन सी है, साइन माइनस की, और b है, b ऑब्जर्व कर लो, तो b का क्यूब, तो यहाँ मैंने b रख दिया और उसका क्यूब रख दिया, बन गया मेरा क्वेश्चन, ये 2a प्लस b का क्यूब, क्योंकि सारे टर्म प्लस थे, ये 2a माइनस b, क्योंकि सारे टर्म माइनस, लास्ट टर्म तो वैसे भी आपका प्लस में ही आता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हो, और 8 में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो देखोगे ना, उसमें फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड जैसे दिया हुआ है, थर्ड 27 है, सॉरी थर्ड का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है 27, तो 27 किसका क्यूब आता है, 3 का आता है। फिर लिखा है हुआ है 125a क्यूब, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो एक्चुअली मैं क्वेश्चन देख के आपको बना के दे सकता हूँ, देखो 27 लिखा है, दैट मीन्स 3 रहा होगा, आगे क्या रहा होगा, 3, और 125a क्यूब लिखा हुआ है, तो 125 का 5 रहा होगा और a, क्योंकि 5 का जब हम क्यूब करते हैं ना, 5 का स्क्वायर 25, क्यूब 125, और साइन कौन सी रही होगी, बीच में माइनस, तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। मैं सारे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी खुद प्रैक्टिस करनी है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया, 9, 10 थोड़े अलग है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल आप 8 तक करना, आने वाले एक दो लेक्चर में आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, बट मेन प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक हो स्कूल से, या कहीं से भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल रहा हो, तो या किसी फ्रेंड के पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हो, तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा सम होंगे वो भी मैं आपको भेजूंगा, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो किसी भी टाइम आप मुझे कांटेक्ट करके, कॉल करके आ सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो। जितने भी छोटे बड़े डाउट है वो तो फोन पे सॉल्व हो जाएंगे, बट अगर आपको कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लग रहा है तो कभी भी मुझे कॉल करके आप मुझसे मिल सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, राइट, बाय।